चलिए, बाइकिंग तो आपने की है, लेकिन आपको देखा गया कि रबी लवल का जुलूस होता था या 14 अगस्त की कोई रैली वगैरह होती थी, तो आप वहाँ पर भी आगे बढ़कर शामिल होते थे। और उसके अलावा आपको बच्चों के साथ भी देखा गया कि बच्चों के साथ भी आप घुल मिल जाते थे। फिर कुछ तस्वीरें भी हैं जो आपके बच्चों के साथ होती थी। बाबर, इसमें ऐसा है कि देखिए, अल्लाह तबारक व ताला ने अता की हुई नेमतें हैं सारी ना। अगर हम यू फोन की कंपेन कर सकते हैं 3G की, अगर हम UET UMT वगैरह की, ये सारी कुछ पेड होती थी, कुछ हम शौक़ के लिए जाया करते थे, पाक व्हील्स के हो गए, और कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे इस वक्त लाहौर में भी बड़े फेमस जो हैं वो शोरूम्स हैं बाइक्स के, जहाँ पे हमने बाइक खड़े भी किए। ये यानी कुछ पेड होते थे, कुछ नॉन पेड होते थे, कुछ हमारे शौक़ की वजह से हम जाया करते थे। तो ये जो रबी लेवल का इवेंट हो गया आपने ज़िक्र किया, इसी तरह बच्चों के साथ मेरे घुलना मिलना, ये अगर अल्लाह ने आपको कोई नेमत दी है तो एक तो उसके शुक्राने के तौर पे, ठीक है, इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए, अल्लाह ताला चीज़ों में इजाफ़ा फरमाता है। सेकेंडली, अगर हम पैसे लेके किसी कंपेन पे जा सकते हैं तो फिर अल्लाह के रसूल के नाम के लिए हम बाइक क्यों नहीं निकाल सकते। तो मुझे ये एक शौक़ था, क्योंकि बाइक्स की तरफ आने की जो मेन रीज़न बनी हिस्ट्री के अंदर, मुझे काफ़ी अल्लाह ताला ने ग्रिप दी है। तो उसमें हम पढ़ा करते थे ये अरबी नस्ल के घोड़े, ऊँट और इस तरह की चीज़ें, वेपन्स भी जो हैं तलवारें ज़रा वगैरह। तो यही चीज़ें पढ़ पढ़ के मुझे हुआ कि आजकल के दौर के अंदर जो फास्टेस्ट चीज़ है वो हैवी बाइक्स हैं या स्पोर्ट्स कार्स हैं, और मैंने इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया अपने शौक़ के पेश नज़र। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसका छोटा सा बिज़नेस भी क्रिएट हो गया। और अगर हम अल्लाह के दीन को, हिस्ट्री को पढ़ के इस शौक़ को मैंने अपनाया है, तो फिर अल्लाह के नबी की विलादत के दौर टाइम पे हम क्यों नहीं बाइक निकाल सकते। तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंट, आप समझ लें कि मेरी बाइकिंग के अंदर ये चीज़ जो है वो नुमाया नज़र आती है। लेकिन वो वहाँ पे मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह दें कि अल्लाह ने अगर कोई नेमत मुझे दी है और रब की रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का टाइम है, तो मेरे पास उस टाइम पे, जो उस टाइम पे ज़हन है, वरना तो इंसान की ज़िंदगी उनकी उनके ऊपर कुर्बान है, जाने कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है, लेकिन उस टाइम पे जो फील होता था कि अल्लाह ने एक मुझे शौक़ था ना इस चीज़ का, तो उस शौक़ को मैं वहाँ पे भी कि अल्लाह ने मुझे ये नेमत दिया तो मैं मिलाद के ऊपर भी लेके जाऊँ बच्चों बच्चे, क्योंकि सरकार अली सलातु सलाम बड़ी मोहब्बत किया करते थे बच्चों के साथ, तो बच्चे जहाँ नज़र आते, ये भी मिलाद की ही बरकतें हैं कि वहाँ पे फिर बच्चों ने प्यार करना शुरू किया। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा उन्होंने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की, उन्होंने इन्वाइट किया, वो फ्लावर्स जो है वो उन्होंने फेंके जब मैं वहाँ पर एंटर हुआ, तो बड़ा प्यार करते थे बच्चे, अभी मेरे अपने एरिया के अंदर भी आ जाया करते थे। तो ये अल्लाह ने अगर आपको नियमत दी है तो आप लोगों को साथ शेयर भी करें। ये नहीं है कि जनाब बंदा अकड़ जाए, मगरूर हो जर कहे कि जी वाह जी वाह, मुझे बस मैं ही हूँ। नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के पास एक दफ़ा जा रहे थे, तो एक शख्स जो बड़ा गरीब था, एक चादर ही थी उसके पास, तो उसने कहा जी रब से मेरे बारे में आप कहिए कि मुझे मालो दौलत मिले। एक दूसरे, मैं आपको मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ ना इस वाक़े का, और एक शख्स वो कहता है कि अल्लाह के नबी, आप जब रब से गुफ्तगू के लिए जाएं तो रब ने मुझे इतना अता किया हुआ है, तो रब से फरमाइए कि बस काफ़ी है, इनफ है इस दुनिया के लिए। तो ये अल्फाज मुझे एग्जैक्ट इस टाइम याद नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका ना मफहूम समरी बता रहा हूँ। जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए, उनसे हम कलाम हुए, रब ने कहा कि जिसको जो माल मांग रहा है उसको को मेरा शुक्र अदा करना शुरू करे, और जिसके पास माल बहुत ज़्यादा है और वो चाहता है कि बस इतना ही, तो वो मेरा शुक्र बंद कर दे, तो उसकी जो बरकतें हो रही हैं उसके माल के अंदर वो कम होना शुरू हो जाएंगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, अल्लाह का मैसेज दिया, तो जो मालदार था उसने कहा कि मैं रब का शुक्र क्यों ना अदा करूं कि रब ने मुझे इतना कुछ दिया है। तो वो ये जुमले भी कहने थे कि उसके हाथ में एक मिट्टी का प्याला था जो कि सोने का बन गया। तो अल्लाह का इसका मतलब है शुक्र अदा करने से नेमतें बढ़ती हैं। तो ये भी एक शुक्र का ही तरीका है कि लोगों के साथ आप शेयर भी करें, खुश हों, एक दूसरे के तकब्बुर ना करें, रब का दिया हुआ है सब कुछ यहाँ रह जाना है। और वो जिसको जो जिसके सिर्फ तन के ऊपर एक चादर थी, उसने कहा जी रब ने मुझे दिया क्या है जो मैं शुक्र अदा करूँ, तो हवा चली और उसकी वो जो तैबन थी वो भी उड़ गई। तो ना शुक्री नहीं करनी चाहिए। आपके पास अगर अल्लाह तबारक व ताला ने एक चादर भी अता की है तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि रब ने आपको जिस्म जैसी नेमत
अता की है, जिस्म सही सलामत है। अगर आपका हाथ है उसमें यह अंगूठा ना हो तो आपका हाथ बेकार हो सकता है, आपकी आईसेट ठीक है। यहाँ तक आता है रवायात के अंदर कि कल बरोज़े क़यामत एक शख्स जो सिर्फ गुनाहगार नहीं होगा, नेकियाँ होंगी उसके पास, और वो जाएगा लेकिन रब का शुक्र अदा करने वाला नहीं होगा, नियमतों पे शुक्र अदा करने वाला नहीं होगा। तो उसके पलड़े पे जब नेकियाँ रखी जाएंगी और दूसरी नेमत पे, दूसरे पलड़े पे जब रब की नेमत आंखों जैसी नेमत रख दी जाएगी तो वो फंस जाएगा। वो अल्लाह की एक ही नेमत जो है वो इस कदर वज़नी होगी उसकी नेकियों के मुकाबले में कि वो फंस जाएगा। हर जगह पर रब की रहमत का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाता है, अल्लाह ताला देता है। तो हम जाते थे रबीउल अव्वल के ग्रुप में भी जाया करते थे, वो जुलूस पे जाया करते थे, इवेंट्स भी हमने किए, पेड भी किए, नॉन पेड भी किए। UMT में बड़ा प्यार मिला, आउट ऑफ कंट्री से तुर्की से लोग आए थे वहाँ पर, उनके साथ हमारी जो है वो ग्रुप फ़ोटोज़ भी हुई, उनके साथ बड़ी कम्युनिकेशन रही। बल्कि इराक़ में मैं एक दफ़ा गया ज़ियारात का, हमारा जो ग्रुप है वहाँ गए तो वहाँ पे भी लोग जानना शुरू हो गए, तो वहाँ पे भी बाइकिंग कम्युनिटी आ गई। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से करम नवाजी होती है। आज भी अगर हमारे ऑफिस में आप देखते हैं इससे रिलेटेड लोग आते हैं तो ये सारा रब का करम है। रेड बुल के इवेंट्स हमने किए, यहाँ पे जर्मनी से क्रिस आया हुआ था इधर कजाफी के पास, वो उस इवेंट में उन्होंने एज़ अ इनवाइट किया था हमें रेड बुल ने, हमने वो इवेंट्स किए, उसको हमने वो क्रिस के साथ साथ रहे। तो ये अल्लाह ही के सारे करम हैं। ड्यू माउंटेन ड्यू के इवेंट्स जो हैं वो कराची से जो करते हैं, जो स्पॉन्सर करते हैं, उन्होंने हमें इन्वाइट किया हुआ था। मतलब ये सारे रब के करम हैं, रब इज़्ज़त देता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें, अगर हमारे लोग जो हैं एक चीज़ को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जी अगर बाइक है या स्पोर्ट्स कार है आपके पास तो बस अब आपने कोई ग्लैमर ही रहना है, ना 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 भाई, अल्लाह की तरफ से नेमत है। आप उसको, अगर मैं तो जो मदारिस होते हैं मैं वहाँ उनके बच्चों के पास भी चला जाया करता था, अगर आप जुलूस पे जा सकते हैं आप वहाँ पे ले जाएं, भाई रब की रहमत है। अगर आप, मैं तो, मुझे शौक़ इस तरह इस हद तक का था कि मुझे अगर अम्मी ने दही लेने भी भेजना तो मैं बाइक निकालता था, चला जाया करता था। तो मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है, कोई ऐसा जानने वाला नहीं है जिसको, जिसने बाइक का शौक़, जब तक मेरे पास बाइक, मैंने ख़ुद बाइकिंग की है, उसने पूरा ना किया हो, लेकिन उसको एक डिसिप्लिन के अंदर रह के, अल्लाह ने अगर नेमत दी है तो नेमत का शुक्र अदा करने का एक तरीका ये भी है कि उसके जो SOPs हैं उसको फॉलो किया।